वेलकम टू आवर चैनल पेट मांगे मोर। तो आज हम आए हजरतगंज में, यहाँ अगर आप देखेंगे तो भारतीय बालिका विद्यालय के जस्ट अपोजिट और सेंट फ्रांसिस स्कूल के जस्ट बगल में एक कार्ट खुला भैया का इंडो चाइनीज फूड हब। यहाँ पे आपके पास चाइनीज वेज एंड नॉन वेज और सब टाइप के रखे हुए भैया ने, चाइनीज आइटम है और उसके साथ ही एक तंदूरी मोमोज और सोया चाप का भी इन्होंने छोटा सा कार्ट लगा रखा है। चलिए हम भैया से बात करते हैं कि भैया ने और क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ। भैया क्या नाम है आपका? अब्दुल बाकी। अब्दुल बाकी जी, कब ये आपने ओपन करी है? हो गया करीब 4-5 साल हो गया। चार पाँच साल हो गया। तो कोविड के टाइम पे कैसा था? ठीक था रिस्पांस, मतलब ये कि कोविड से सामने तो जो कोविड जो ये चालू होने वाला था उससे पहले ये था कि जो है थोड़ा सेट डाउन हो गई थी, मगर ये दोबारा से लॉकडाउन ओपन खुला जब जो है लॉकडाउन हट गया उसके बाद से फिर सेल अप ठीक है। और वैसे भी हमारे चाइनीज़ के जो परमानेंट कस्टमर हैं वो सब तो हमें मतलब जब लॉकडाउन भी था उसमें भी हमारे घर से आके ले जाते थे, मैं घर से प्रिपरेशन करके देता था। तो कुल मिला के अब ये बोलना चाह रहा हूँ लखनऊ वाले बाहर का खाएंगे जरूर, सिचुएशन जो भी होने वाली है। जो भी हो, हमारे चाइनीज़ लवर्स जो हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई चाइनीज़ के लिए हमारा ये एक स्टॉल ज़रूर है, मगर यहाँ पे सारा रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है हम अपना खाना देते हैं, जो भी रेस्टोरेंट वाला जो स्टाइल होता है और उसी टेस्ट में ही देते हैं। मतलब ये कहने का कि सिर्फ देखने में मतलब आप छोटा सा कार्ट है जो रोड साइड है, थोड़ा सा महंगा है, मतलब दैट्स फाइन अगर आप क्वालिटी दे रहे हो। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सारी चीजें मतलब बिल्कुल फ्रेश मिलेंगी यहाँ पे आपको और सब अच्छा है बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे बेस्ट आइटम जो आपका सबसे ज्यादा सेल होता है सर जो है जो नॉनवेज लवर्स है, जो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उनके लिए हमारे पास चिकन चिली है, चिकन हॉट गार्लिक है और चिकन लॉलीपॉप है, चिकन नूडल्स है, ये सारी चीजें हमारी बेस्ट सेलर आइटम है। और वेज में हमारा जो है नूडल्स है, स्प्रिंग रोल है और चिली पनीर ड्राई है, ये सारी चीज़ें हमारी जो है बेस्ट सेलर है। हाँ, तो ये जाड़े में मतलब गर्मी में तो नहीं, मगर ये ठंड के मौसम में हम मशरूम के लिए हमारा बहुत बिकता है, मशरूम के लिए और सूप वगैरह। हाँ, ठंडी में तो जरूर आने वाले तो या स्विगी जोमेटो स्विगी सेलर है। तो ये जाड़े में मतलब गर्मी में तो नहीं, मगर ये ठंड के मौसम में हम मशरूम के लिए हमारा बहुत बिकता है, मशरूम के लिए और सूप वगैरह। हाँ, ठंडी में तो जरूर आने वाले तो या स्विगी जोमेटो स्विगी जोमेटो दोनों के लिए। फिलहाल के लिए हमने जो ऑर्डर किया वो हमने स्प्रिंग रोड ऑर्डर किया है। देखते हैं, मेकिंग हमने भैया से पहले से ही फ्राई करवा लिया था, तो यहाँ पे कटिंग इज ऑलरेडी डन। इसमें फिलिंग क्या, किसी चाउमीन की फिलिंग रखते हैं? नहीं मैम, इसमें चाउमीन की फिलिंग नहीं, बल्कि इसमें जो है सोया न्यूट्रिला चूरा है, इस काइंड ऑफ हेल्दी अगर आप ये बोल, सोयाबीन चूरा है, प्रोटीन से पूरा भरपूर है ये। तो क्या प्राइस है इसका? ये सर 50 रुपीज़ का है, एक सिंगल रोल है। okay. इसमें कट करके 6 पीसेस हम देते हैं इसमें। ओके, तो ये मोमोज वाली चटनी बोल दें? ये सर हॉट गार्लिक सॉस है। अच्छा, हॉट गार्लिक सॉस, ये हॉट गार्लिक सॉस है, साथ में मेयोनीज देते हैं, कपड़ा हटा देना, थोड़ा सा चॉपसी नूडल्स डाल देते हैं इसमें गार्निशिंग के लिए, ये खाने का और ज़्यादा बेस्ट। तो इस काइंड ऑफ अगर मैं बात करूँ कि बाहर अगर आप दूसरे कार्ट में देखते हो तो फिलिंग जो होती है वो चाउमीन की भर देते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, बट यहाँ पे अलग है, यहाँ पे आपको सोया चंक्स हैं उसको क्रश करके इसलिए डालते हैं हम लोग कि जो इसमें जो सब्जी होती है ना वो पानी छोड़ती है, हाँ तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है सोया क्रंच। हाँ, इसलिए हम लोग सोया। अच्छा, मतलब इसके पीछे भी लॉजिक। हाँ, है, एक लॉजिक है। तो लेट मी टेस्ट, साथ में हमने मोमोज भी ऑर्डर किए हुए हैं। तो फीलिंग नॉट कि हेल्दी नहीं है, मतलब फास्ट फूड है बट आप खा भी सकते हो, नो कि जो लोग चाइनीज लवर हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आइए। ऑयल भी उतना नहीं है, इसको आप कैसे मतलब कौन सा ऑयल में फ्राई करते हैं? फॉर्चून की ऑयल। ये सॉस घर पे बनाते हैं आप? Thank you.
तो इस बारबेक्यू में लगा हुआ है, होने देते हैं, लेट्स वेट। तब तक मैं फिनिश करता हूँ ये। सोया चाप कितने टाइप के रखते हैं भैया? चार टाइप के हैं सोया चाप। कौन सा चाप है ये? ये तंदूरी चाप। इसमें फिलिंग किसकी करते हो आप? फिलिंग आपकी वेजिटेबल्स होगी, कैरेट और कैबेज, कोरिएंडर, थोड़ी सी चिली। ओके, ये अमूल का है? अमूल बाय डिफॉल्ट एवरीवन इज यूजिंग नाउ। सबसे ज्यादा कौन सा तेल रहता है यहाँ पे? सबसे ज्यादा रहता है जो सर हमारी डिमांड रहती है वो सोया चाप की रहती है। सोया चाप और नॉर्मल की तंदूरी हमारा ही नहीं है। भैया आप भी और टेस्ट करो हमारे साथ, कम इन द पिक्चर। तो आज हम ना टेस्ट करने वाले भैया के साथ, भैया के शॉप में, भैया के साथ। भैया आप टेस्ट करो और अपना आप खुद बताओ कैसे बना रहा हो भाई। नहीं मैं तो खाऊंगा ही ना। यम्मी आप ये तो हो गए अपने मुंह, अपने मुंह मीठा में ना मीठा बनने वाला। ये हमारे तंदूरी मोमोज है जो स्पेशली हम लोग जो है इसमें जो मसाला लगाते हैं वो हम लोग खुद बनाते हैं, अपना हम लोग अपने घर पे बनाते हैं मसाला। और जो तंदूर करके इसको जो देते हैं, ये मैं आपको बता दूंगी, ये लखनऊ में, ऑल ओवर लखनऊ मतलब हमारे पास कस्टमर आते हैं यहाँ पे जो कि दूर दूर से आते हैं और जिनको ऐसे मोमोज कहीं नहीं मिलते लखनऊ में। अरे इसमें फिर खासियत क्या है? और जो टेस्ट हम दे रहे हैं बाकी हम लोग प्योर अमूल बटर में हम लोग इसको करके देते हैं पूरा मैरिनेट करके। तो ये सारी चीजें हमारी स्पेशलिटी है। आपने इसमें फिलिंग किस किस चीज की? सर टोटल वेजिटेबल्स की फिलिंग है। ओके, हाँ इसमें हमारे पास दो वैरायटीज और हैं। इसमें एक पनीर मोमोज भी है, उसमें एक पनीर भी, एक पनीर के साथ वेज में इसमें मलाई मोमोज भी आता है। उसमें डिफरेंस क्या है? नॉन स्पाइसी होता है। अच्छा, मलाई मोमो नॉन स्पाइसी होता है, क्रीमी टेस्ट आएगा पूरा उसमें। और ये हमारा मसाला मोमोज है पनीर, ये तंदूरी। ओके जी, तो लेट मी टेस्ट ऑल द सॉस। मेयोनीज है, मिंट सॉस है, शेजवान सॉस है। जैसे मैं आपको लखनऊ में बता दूं कि शेजवान आपको यहाँ पे लखनऊ में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि शेजवान देते हैं। हम लोग रखते हैं यहाँ पे शेजवान क्योंकि महंगे होने की वजह से हर जगह आपको शेजवान नहीं मिलेगा। हाँ, तो शेजवान के जो दाने होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, इसलिए आपको हर जगह नहीं, हम लोग रखते हैं उसे। हम लोग स्पेशली नेपाल से ही मंगाते हैं हम। अच्छा, नेपाल से? हाँ, नेपाल से ही मंगाते हैं दाने हम लोग के। यहाँ तो मोस्टली लोग कहेंगे शेजवान होता क्या है, कैसे आता है, कैसे बनता है, वो शेजवान का टेस्ट क्या होता है। आप अपना नंबर बताइए। जी मेरा नंबर है 9415111175। आपका व्हाट्सएप नंबर है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो फिलहाल के लिए अगर आप किसी को भी ऑर्डर करना है तो नियर बाय, नियर बाय 3-4 किलोमीटर पे मैं खुद ऑर्डर करता हूँ। बाकी अगर कोई दूर पे है तो स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर कर सकता है। 10 किलोमीटर तक का ऑर्डर? हाँ, पूरे ऑल ओवर लखनऊ मेरे पास 10-15 किलोमीटर की रेंज में ऑर्डर आते हैं। अच्छा, आते हैं। स्विगी जोमेटो पहले ऊबर इंस पे था तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स ऊबर इंस पे था, मगर किसी वजह से ऊबर इंस बंद हो गई तो अब वो जोमेटो में शायद ओवर राइड जोमेटो और स्विगी पे चल रहा है। और इसके अलावा मैंने स्प्रिंग रोल टेस्ट कर लिया, मोमोज टेस्ट कर। हमारा बेस्ट सेलर जो है नॉनवेज में चिकन चिली है। तो हम आएंगे अब आफ्टर यू नो नवरात्र, ठीक है? अभी टेस्ट करना पितर पक्ष चल रहे तो हम अवॉइड कर रहे हैं। मैं ना सच बताऊँ, मैं टेस्ट करने के आया था बिल्कुल कि हाँ, बट अब पेट ना बिल्कुल सा हो गया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम पक्का हम आएंगे उसमें, हम फिर नॉनवेज भी टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो आप आइए, आपका नाम? अब्दुल बाकी, सॉरी मैं मिस कर गया। तो आप आइए, इनको कॉल भी कर सकते हो आप। और इस पॉश एरिया ऑफ लखनऊ हजरतगंज,
आप आइए यहाँ पे सेंट फ्रांसिस को। हमारे पास जो ज्यादातर हमारे कार वाले कस्टमर से अपना आते हैं गाड़ी में, उनको सर्विस हो जाती है, गाड़ी में बैठे बैठे खाया उसके चले गए, मैं उनको उतर के आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास हम यहाँ पे 6-7 बंदे हैं जो की गाड़ियों में सिर्फ सर्विस करते हैं। तो शाम को यहाँ पे शाम को यहाँ काफी जल्दी रहती है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हमारी 4 बजे से रात में 11 बजे। मतलब अभी फुल लॉकडाउन तक टाइम का मतलब पूरा फायदा होगा। हां नहीं ठीक है, लोगों का सर्विस जब लॉकडाउन नहीं था तो 12 बजे रहते थे हम लोग, गर्मियों में वैसे भी 12 बजे रहते हैं यहां पे। अगर ओवरऑल इसमें अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो आप तो 12 बजे तक। ओके थैंक यू सो मच।